हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, जैसे कि आज है पहला सावन, सावन का पहला सोमवार, तो आज सबका फास्ट होगा। तो आज मैं फास्ट के लिए क्या बना रही हूँ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा और आप लोग क्या बना रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो शुरू करते हैं, आज के लिए मैं क्या क्या बना रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो गैस, आज है जो सोमवार के लिए जो व्रत का खाना बना रही हूँ उसके लिए मैं लाई हूँ ये सूजी। तो मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा। और ये आप टमाटर देख रहे होंगे, बहुत महंगे हैं, बहुत ही हिम्मत करके मैं ले आई हूँ। तो ये टमाटर ले लिए, हरी मिर्च ले लिए, इससे मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी, जो फास्ट वाली होती है आलू टमाटर की सब्ज़ी। और इधर मैंने रख दिए हैं आलू उबालने के लिए। तो जो जो होगा मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करके दिखाऊँगी। तो गैस, इधर मैंने ये सूजी को साफ़ कर लिया है, ये देखिए। और सूजी कभी भी लाएं तो उसको पहले एक बार चेक कर लें, क्योंकि इसमें कीड़े भी होते हैं। तो मैंने चेक कर लिया अच्छे से, तो सूजी बिल्कुल साफ़ है। इधर ले लिया है मैंने देसी घी, और इधर रख दी है मैंने कढ़ाई। तो अभी हम बनाएंगे इसमें, पहले हम थोड़ा सा घी डालेंगे। तो हलवे की रेसिपी तो मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आज मैं एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने घी डाल लिया है इसमें, ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सूजी डाल के इसे भूनेंगे। तो गाइस, ये घी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम सूजी ऐड करेंगे और इसको साथ ही साथ चलाते रहेंगे। और इसे ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं भूनना है, सूजी को हमेशा मीडियम फ्लेम में भूनिए। धीमी धीमी आंच में जब सूजी भूनती है तो उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है। और गाइस, हमारे यहाँ आ गया है सावन में घेवर। तो ये देखिए, हम इसका पहले कान्हा जी को भोग लगाएंगे, भोले बाबा को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम सब खाएंगे, है ना कुकु? हाँ। पहले कान्हा जी का भोग लगाएंगे ना। हाँ। आरती करके आओ कान्हा जी की, पूजा करके आओ, फिर भोग लगाएंगे, ठीक है? हाँ। ओके बेटा। और इधर हो रही है हमारी सूजी, इधर गाइस मैंने चाशनी तैयार कर ली है सूजी के लिए। और इधर सूजी तो मेरी भुनी रही है, तो अभी जब तक इसमें आलू उबल रहे हैं तब तक हम इसे भून लेते हैं। और उधर कर लेते हैं हम ये टमाटर, और इसको पीस लेते हैं ताकि सब्ज़ी की भी तैयारी हो जाए। तो गाइस, इधर मेरी सूजी अच्छे से भून चुकी है, इसमें हम ये चाशनी वाला पानी डालेंगे। तो गाइस, इधर मैंने आलू की सब्ज़ी के लिए रख लिया कढ़ाई, और इसमें मैंने डाल लिया है घी। और ये सब्ज़ी भी मैं घी में ही बना रही हूँ, तो इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। और ये मैंने टमाटर और उसका हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, वो डालूँगी इसमें। और कुछ नहीं पड़ेगा, बस इसी से सब्ज़ी बनेगी। इधर ये उबले हुए आलू हैं, इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेंगे, ज़्यादा भी नहीं फोड़ना है। तो ये मैं पलटे की सहायता से करूँगी, देखिए। इधर ऐसे जीरा हो रहा है, तो ये जीरा हो चुका था, इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, ये देखो। और घी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इस सब्ज़ी को आप घी में बनाइएगा, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये है मेरा सेंधा नमक, व्रत के लिए हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, जो व्रत वाला नमक होता है। और आलू मैंने इधर मैश कर लिए हैं, इधर हलवा बन के मेरा रेडी हो चुका है। तो जब पूरा बन जाएगा सब कुछ, मैं आपको सारा दिखाऊँगी मैंने क्या क्या बनाया। तो गाइस, इधर ये हो चुका है, टमाटर हमारा पक चुका है, इसमें हम आलू डाल देंगे। ये मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं, और थोड़ा सा हम इसे ऐसे भून लेंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी। तो गाइस, जैसे मैंने भून लिया था, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा ग्रेवी नहीं करनी है। तो ये देखिए गाइस, अब इसमें हम एक दो उबाल आने तक इसे उबालेंगे, फिर आँच को धीमा कर देंगे। धीमी आँच पर थोड़ा सा इसका जो ग्रेवी है गाढ़ी हो जाएगी, फिर जैसे भंडारे की सब्ज़ी होती है वैसी हो जाएगी। गाइस, फाइनली आप मेरी सब्ज़ी का लुक देख सकते हैं। और ये है मेरे हाथ में कस्तूरी मेथी हरी हरी, ये देखिए। और इसको हम इसमें क्रश करके डालेंगे, और थोड़ा सा इसको बस चला देंगे, और सब्ज़ी हमारी बनके हो चुकी है रेडी। तो आप लोग व्रत के लिए कैसी सब्ज़ी बनाते हैं वो हमें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, तो ये बन चुकी है मेरी आलू की सब्ज़ी, आलू का साग, जो भी आप बोल लीजिए।
अब बची है पूरी की बारी, तो पूरी बनते ही फिर मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी, फिर हम लोग व्रत खोलेंगे। तो अब मैं सब्ज़ी को बंद कर देती हूँ, सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और इधर मेरा हलवा भी रेडी हो चुका है। तो गाइस सब्ज़ी और हलवा तो मेरा बन चुका था, इधर मैंने आटा भी गूंद लिया था और ये मैंने पूड़ी के लिए छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं। इससे क्या होता है पूड़ी बनाने में इजी रहेगा, फटाफट से बेलेंगे। और इधर रख दी है मैंने कढ़ाई, तो ये मेरी पूड़ी वाली कढ़ाई है। तो इसकी शक्ल पे मत जाना कि ये काली हो रही है, तो ये बेसिकली पूड़ी के लिए ही है। तो इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और अपना ये करछी तैयार कर लिए हैं। पूड़ियाँ बेलेंगे, फटाफट से बनेंगे और हम लगाएंगे भगवान जी को भोग। तो गाय से सबसे पहले ये प्लेट निकल रही है हमारी गाय के लिए, गाय माता के लिए। ये देखो सबसे पहली पूड़ी निकली है गाय की और ये गाय के लिए प्रसाद है, उसके बाद हम भगवान जी का निकालेंगे। तो ये देखिए बन रही है हमारी गर्मा गर्म फूली फूली सी पूड़ियाँ और अब हम लगाएंगे अपने कान्हा जी और भोले बाबा को भोग। तो गाइस ये मेरे भगवान जी की थाली रेडी हो चुकी है, देखिए ये है हलवा, ये सब्जी, ये पूड़ी और ये कान्हा जी के ग्लास में पानी। तो मेरा तो ये बन चुका है और आप लोगों ने क्या बनाया है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर कुछ गलत करा है मैंने तो उसके लिए भी लिख के बताइएगा, मैं उसे सुधारूंगी। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।